तो गाइस एक बार फिर हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए कस्टम कार शो, और गाड़ियां लेके जा रहे हैं अभी कस्टम कार शो में। यहाँ पे गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, हमारी एक और गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई है, एक गाड़ी हमने वहां खड़ी की भी। अब सारी गाड़ियां एक एक वन बाय वन जैसे ही होती जाएंगी वैसे ही इसकी पार्किंग अलॉट होती जाएगी, और अभी फॉर द टाइमिंग हम इसको यहाँ पे पार्क करेंगे, देन वी विल सी। अभी एक और भी हमारी तीन गाड़ियां भी रह गई हैं। मुझे एक बहुत ही खास गाड़ी नजर आ रही है, क्रेसलर की क्रॉसओवर। ये भी गाड़ी भाई हमारे ग्रुप की है, स्टार्ट हो रही है और ये लाइनअप जा रहा है पीछे तक, और मज़ीद भी तीन चार गाड़ियां आ चुकी हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ लाइनअप कि भाई और मज़ीद कितनी गाड़ियां हैं। जाहिर सी बात है ये गाड़ियों का सिलसिला तो नहीं रुकने वाला, एक से बढ़कर एक गाड़ी आ रही है, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं बजाए के वहाँ जाने के मैं आपको ये गाड़ियाँ दिखाता हूँ। एक मुझे गाड़ी नज़र आई है, अच्छा मुझे ये गाड़ी जब नज़र आई है तो मैं रुक सा गया हूँ कि भाई ये गाड़ी क्रेसलर की क्रॉस फायर है, जो कि बहुत ही आला लग रही है इस वक्त। वाओ, कांट इमेजिन कि ये यहाँ पे अवेलेबल है। जाहिर सी बात है ये ओपन तो नहीं होने वाली है गाड़ी, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही रेयर है, ये कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आती, यहाँ नज़र आई रही है। इसका मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हो कि शो क्या लेवल का होने वाला है, किस लेवल की कहानी चलने वाली है, देखते हैं अभी। देखो मैं कह ही रहा था कि लाइनअप बढ़ती जा रही है, और अब एक और गाड़ी आ गई है। ये कौन सी गाड़ी आ रही है भाई? ये भी गाड़ी है, और हम दिस इज मस्टैंग नाइट्स कार, एंड व्हेन मस्टैंग नाइट्स कार इज रजिस्टर्ड, Mustang Knights, bro. MashaAllah. So, bhai, Mustang Knights. Wow, man. That's amazing. Amazing. मैं इसको काफी अरसे बाद देख रहा हूँ इस गाड़ी को, और वाकई यार ये जबरदस्त हो गई है गाड़ी। इसको मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। How are you, bro? Good, good. Alhamdulillah. Awesome. भाई तो ये वाले सीन्स होने वाले हैं, ऑब्वियसली मज़ा तो बहुत आने वाला है। अंदर जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो भाई रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ हो रही है और गाड़ियों पे गाड़ियाँ, एक तो क्लासिक भी आई हुई है, देखो पीछे सारी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी पहले यहाँ, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। और अब कौन सी गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई? अब कोई और गाड़ी स्टार्ट हो गई, हमारी गाड़ी है ये खड़ी हुई, 5, 6, 7, 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं ओवरऑल। तो भैया गाड़ियाँ सारी रजिस्टर्ड हो गई हैं, दो गाड़ियाँ यहाँ रह गई हैं, एक गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रही है, और बस हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखते हैं अंदर के सीन्स क्या हैं। सारी गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मॉडिफाइड गाड़ियाँ सारी अंदर जा रही हैं, जैसे कि गेट क्लोज हो जाएगा अभी आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में अगर ख़त्म हो जाता है और क्लोज़ हो जाता है तो हमें उससे पहले पहले अंदर पहुँचना है। तो बस ये रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर स्पेशली दोज गर्ल्स प्लीज़, मैं ब्लर कर दूंगा वरना भाई बड़ा खुश हो जाएगा। तो भैया ये हो रही है अभी एंट्रेंस, उफ़ो, ये है गेट्स, यहाँ पे भी गाड़ियाँ लगना शुरू। हमें अपना नंबर पता होना चाहिए, तो फिर यहाँ यहाँ राइट साइड पे भी है, राइट साइड, राइट साइड बॉस, go yalla habibi yalla let's go behind this car stallion yes. तो भैया मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और अभी यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि भाई गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, देख रहे हो गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, तो और जो गाड़ियों की जो मज़े हैं, उफ माशाल्लाह, लुक एट दिस बॉय मैन, माशाल्लाह ब्रो, इट्स अमेजिंग, दिस लुक्स ग्रेट, यस आई वाज वेटिंग फॉर दिस गाइस, लुक एट दिस मैन। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा व्लॉग जाके देख सकते हैं, आपके राइट साइड पे आ रहा होगा, वो उस तरह का रैप
और पेंट ब्रश था, लेकिन अब जो है वो कुछ और ही लेवल हो गया है। मैं इसकी इनसाइड स्टोरी भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले एक हरकत करना चाहता हूँ जो कि आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल क्या है। अगर आप लाइट मारते हैं इसमें, सो यू विल बी एबल टू सी दिस। ओह मैन, दिस इज अमेजिंग। शो मी दैट थिंग व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट। सो एज यू कैन सी, इट्स अ फुली एयरब्रश। ओह यस, न्यू डिजाइन, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वाइट बॉडी, न्यू रिम्स। यस, सो आई एम फीलिंग एक्साइटेड अबाउट दिस गाइस। यू मस्ट कम एंड यस, वाओ, इट्स अ रिफ्लेक्शन। How about this? No, this one. See this one? Uh-oh. That's a cool. See, the eyes of this is lit. So, as you can see. Oh, inside. Yeah. Full. Guys, what we are going to do is, mic is with you. Adeep, what we are going to do is, I'm taking the video, but you got to promise my audience that we will be making a complete video about this. Of course, definitely. As you can see, brother, so this is all the upgrade which I promised. Yes. So full airbrush, full nose, even the nose, there is a nose, there is a new rim. Yes. New white body, new airbrush, new concept. So guys, I'm not going to show you the full one, but a little bit of this. I hope you will definitely be, yes, seeing this, definitely, in my fully review vlog. Definitely. Thank, yes, you so much, brother, and have a good day. भाई दूसरी जो बहुत ही जबरदस्त चीज होने वाली है वो ये देखो जो हुड को किया है। हम लोग स्टेप इन तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप कल आएंगे आप स्टेप इन नहीं कर सकते, इसके करीब नहीं जा सकते। लेकिन ये देखो यार, फ्रंट देखो। अहमद जरा इस तरफ घूम के जरा दिखा फ्रंट से कि इसके हालात कैसे हैं। अदी ब्रो, इज दिस गोइंग टू लिट अप दीज एज वेल? Guys, now check this out. Wow, what a beauty, man. Zabardast. Kya maza aane wala hai, yaar. What? Instead of I install all the like extra, this one. Yes. Sorry. Come in. Let's check in this. Guys, check this out. Oh my, ye reflect kis tarah ka kar raha hai, yaar. क्या एयर ब्रशिंग के डिफरेंट लेवल कर दिया है, और बहुत ही जबरदस्त और मजा आने वाला है इस बार कार शो में। और इंशाल्लाह ये विनर, मैं आप जो वन ऑफ द बिग, लाइक आपको मैं, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये वन ऑफ द विनर्स है, ये विनर्स में से है। लास्ट टाइम ही होल्ड द ट्रॉफी, माशाल्लाह यू होल्ड द ट्रॉफी लास्ट टाइम, राइट? यस, आई होल्ड द ट्रॉफी द फर्स्ट प्लेस इन एसआरटी कैटेगरी, बट दिस टाइम आई एम होपफुली गोइंग टू द किंग ऑफ द शो। यस, यस, द किंग ऑफ द शो। इंशाल्लाह ब्रो, गाइस, द आई एम गोइंग टू शो यू हिज ट्रॉफीज, माशाल्लाह, दैट ही होल्ड लास्ट इयर्स एंड द प्रीवियस ईयर। So this is one, I held it, this one the last year, it was the first place in SRT category, as you can see. This is the 2018, because due to the corona, so there is no 2 years. Yeah, there was not 19. Yeah, so consecutive years, like it's been 2 years, and I'm hoping this year as well, this gonna be king of the show, inshallah. तो भैया थोड़ा सा वॉक अराउंड आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बिहाइंड द सीन बेसिकली क्या हो रहा है इस पूरे कार शो के अंदर, कि अभी बहुत सारी गाड़ियां अभी तक नहीं आई। होपफुली बाय 10 o'clock ये सारी गाड़ियां आ चुकी होंगी। बहुत सारा काम अभी रहता है, बाकी कारपेटिंग होनी है, वहाँ की लाइट्स एडजस्ट हो रही हैं, गाड़ियों के नीचे जो रैप लगना है, जो कारपेटिंग होनी है वो भी अभी रहता है। लेकिन मुझे अभी बहुत ज़बरदस्ती चीज़ कोई नज़र आ रही है सामने, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ कि वहाँ पे कोई एरोप्लेन टाइप कुछ खड़ा हुआ है या कुछ और है, जाके देखेंगे तो पता चलेगा। मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल किस्म का होने वाला है कल ये चीज़। आप ज़रा इसको देखो तो सही यार, कि भाई खड़ा हुआ क्या है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कि आपके कार शो में कोई आपको प्लेन भी नज़र आए, जो कि वॉक्सवैगन, और मतलब बंदा पूछे क्यों, ऐसा क्या हुआ है भाई, ये सीन है। और कुछ क्लासिक भी नज़र आने वाला है ओबियसली। यार मेरा तो दिल चाह रहा है वो अंदर कॉकपिट में जाके बैठ जाऊँ
और उसको पूरा शूट करूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा मेरी लास्ट में मैं लेफ्ट तक आ गया हूँ तो यहाँ पे मुझे JDM कार्स कुछ GTRs नजर आ रही हैं और लेफ्ट साइड पे एक और भी जबरदस्त गाड़ी जो कि टेस्ला है, टेस्ला की वीडियोस आप देख चुके हैं वो भी नजर आ रहा है यार कि काफी कुछ मजेदार सी चीज होने वाली है। वहां नहीं जाना भाई, वो किसी की प्रमोशन नहीं करनी हमने, हम यहीं रहेंगे। तो इन बिटवीन आते हैं और इन बिटवीन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्लब है। ये डिफेंस भाई, गाड़ियां बिल्कुल ऐसी हालत में आ गई हैं कि बस ये ड्रिफ्ट होने के लिए फौरन तैयार है, ऐसी गाड़ी है। बाकी सारी GTR खड़ी हुई हैं, सबारो भी नजर आ रही है, सबारो भी नजर आ रही है और होंडा की बहुत ही जबरदस्त कोई कूपे भी नजर आ रही है। कूपे क्या है भाई, होंडा की कोई 1993 की भी गाड़ी खड़ी हुई है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है ऑब्वियसली। देखो जरा इसको चारों तरफ से और ओवरऑल कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। भाई इसका हुड पूरा उतरा हुआ है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ ऑन है ऑब्वियसली, लेकिन इसके जो रिम्स हैं वो कुछ लेवल के हैं। देखो भाई रिम्स, भाई यहाँ पे मैं स्टेज पे बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइव कवरेज भी होने वाली है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप लोगों की बड़ी इंटरटेनमेंट रखी है सबसे लास्ट में आने के बाद। इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ आ जाओ यार, ये स्पेशल जितनी सीट्स हैं आप ही लोगों के लिए तो अरेंज किए हैं हमने, और किसके लिए किए हैं। बस अब जल्दी से आ जाओ और मैं ये नहीं दिखाने वाला कार चेकर के लिए इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं। ब्रैब, ओ भाई ब्रैबस की क्या बात है यार, ये ओपन गाड़ी हुई हुई है इस वक्त और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको खोल लूँ किसी भी तरीके से, लेकिन मैं नहीं करूंगा ऐसा। अच्छा ये ब्रैबस की अगर आप देखें कि इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन लेवल है, इसका सिर्फ व्हील कवर्स अगर आप देखें, और आई एम श्योर कि इनसाइड स्टोरी भी कुछ डिफरेंट होगी, लेकिन बहरहाल ये है बहुत ज़बरदस्त, लग बहुत ज़बरदस्त रहा है और पीछे से भी बहुत ही आला लग रही है और उसके साथ मुझे वो लग रही है जिमनी, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि जिमनी है या नहीं है बहरहाल। और यहाँ पे मुझे राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है वो मिनी कूपर का पूरा स्टैंड, यानी कि काफ़ी कम गाड़ियाँ हैं इस बार लेकिन इनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। मैं इनको काफ़ी अरसे से हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं तो ये लोग हमेशा हर क्लब में होते हैं, हर शो में होते हैं ये लोग, पैडी हॉर्क पक। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी ये पूरी गाड़ियाँ हैं, मेरा ख्याल है ये अभी भी कुछ गाड़ियाँ आनी वाली होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ उसके बारे में जानना है कि यार वहाँ पे प्लेन क्यों है। अच्छा गाइज, ये ट्रक वही है जो कि रेड कलर में था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज हुआ है। इसके नंबर के थ्रू देख लो कि नंबर क्या है, पहले कौन सा था और इसके पीछे वाकई कोई लेंथ एक्सटेंड हुई भी है। ये जासिम का ही था वो ट्रक अगर था तो, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, कोई आला और औसम कोई चीज़ बनाई है, पता नहीं मुझे क्यों ये ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है थोड़ा सा। और ये क्या है यार, ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, जस्ट टू होल्ड पीपल लाइक वो उसको खींचने में काम आएगा क्या होगा, देख लेते हैं। और उसके अलावा आप ये देख लें यार क्या रैप हुआ है भाई, ये ट्रक को रैप और इस हालात में 3500 HD लिखा हुआ है और इसके रिम भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं दिखाना शुरू करता हूँ, सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई। कसम का शो, पीपल आ गया मैन, जब जब हर जगह होते हैं भाई, सब जगह मिल जाते हैं। और ये भाई ये क्या कहलाता है यार, ये मुझे पहले बताओ। मुझे वसीम भाई नज़र आ रहे हैं, मुझे वसीम भाई नज़र आ गए और मैं वेट कर रहा था कि यार इनकी गाड़ी कहाँ मिलेगी मुझे, और बिल आखिर वसीम भाई की गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग ब्रो, गुड, सो ऑल वी आर ऑल सेट फॉर टुमारो टायर्ड, ओ मैन टायर्ड, यस लेट्स गिव वीआईपी एंट्री। अच्छा भाई एंट्री वीआईपी किस्म की मिल रही है, सो वॉच आउट गाइस। भैया हम लोग आ गए हैं वसीम भाई की गाड़ी देखने, और हम वसीम भाई इस गाड़ी को क्या बोलते हैं, स्पार्टन जो कि आप लोगों ने काफी बार देखी होगी शो में, और लास्ट टाइम की विनर थी ये, क्या इस बार क्या हो गया,
इस बार भी इंशाल्लाह विनर होगा। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह यार, ऑल द वेरी बेस्ट बॉय, ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो। व्हाट आर द थिंग्स, आपने क्या क्या चेंज किया वसीम भाई लास्ट ईयर से अभी? ये पूरा पार्ट चेंज किया है भाई, ये पूरा पार्ट चेंज किया हुआ है, पूरा पार्ट चेंज हो चुका है, लगाया है, स्टीयरिंग चेंज किया है, सीट चेंज किया है, स्पॉइलर चेंज किया है भाई। इसका जो एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो तो हम लोगों ने पेंडिंग में डाला हुआ है पिछले 2 महीने से। वसीम भाई कब का कर रहे हैं हम, राइट आफ्टर शो? जब आप फ्री हो तभी। यार मुझे पता है इन्होंने तो बोला था कि आई एम इन, बट व्हेनेवर यू आर फ्री, इंशाल्लाह कस्टम शो, राइट आफ्टर शो इंशाल्लाह। आप ये देख रहे हैं इसलिए कि यार ड्रोन्स बंद हो गए हैं, और मैं चाहता था इस गाड़ी के साथ वो सही किस्म की डेडिकेशन के साथ वीडियो बने जो मेरे ऑडियंस को देख सके। बनेगी बहुत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आई एम श्योर। ऑलराइट भाई, अभी 360 जल्दी से दिखाता हूं मैं आपको और वसीम भाई को जाने देता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। यार इस बिल्ड को देख के तो इतना क्लीन बिल्ड, लाइक माशाल्लाह, लाइक टर्बोचार्ज हुआ है, टर्बोचार्ज गाड़ी वीवी RB27 लगा हुआ है, और फिर इंटेक सिस्टम लगा हुआ है इसमें, और इवन दो यहां पे वो भी लगाया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया हुआ है, लाइक इतना क्लीन सेटअप हुआ है इस गाड़ी का। मिनिमलिस्टिक जो काम की चीज है सिर्फ वही लगाई हुई है इसमें, और माशाल्लाह अच्छी बिल्ड है, ये कितनी क्लीन है, और है ये है भी निसान पेट्रोल। यार हमारे साथ लेफ्ट साइड पे जाएं यार, ये लेफ्ट साइड में तो मुझे कार शो है भाई, ये तो कार शो है, लेकिन गाड़ी ये इस तरह की आती है ना, गाड़ियों का लेवल कुछ इस असल में असल बताता हूं मैं क्या मसला क्या है इसमें। जो इंजन लगा हुआ है, ये इंजन असल में गाड़ियों को ही लगा होता है, एयरक्राफ्ट में जो पुराने इंजन होते हैं सब में लगे होते हैं, ये एयरक्राफ्ट गाड़ियों के इंजन लगे होते हैं, ये होते भी सुपर चार्ज और ये टर्बो चार्ज इंजन होते हैं सारे, जो कि इस चीज़ को पावर करते हैं। मोस्टली बिल्ड बाय होंडा लोगों के मोस्टली इंजन होते हैं सारे, रोटरी इंजन लगा, रोटरी इंजन एक्जैक्टली। ये हो रहा है यार, ये देखो क्या हो गया, क्या क्या हो रहा है अभी, ये कुछ करना पड़ेगा। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं आई हुई कि भाई, जहाज भी आए, प्लेन भी आए हुए, और पहले भी वहां पे देखा कि फुल उस तरह हो रहा भाई, AE लेगेसी वहां रेडी है अपनी गाड़ियां पार्क करके, और वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम हियर नाउ। होपफुली आप लोगों को मजा आएगा, अगर मुझे अभी जाते हुए भी कोई गाड़ी नजर आ जाती है तो मैं फौरन से एक्सक्लूसिवली वीडियो दिखा दूंगा कि आप लोग देख लो, सेटिस्फाई हो सको। लेट्स सी, एक आध मलिक की गाड़ी रह गई है, और ये जो गाड़ी आ रही है मस्टैंग, ये भी कोई नेक्स्ट लेवल आ रही है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों से मुझे ये बात करनी थी कि यार मैं इतने ज़बरदस्त किस्म के आपको आइडियाज़ और आपको वीडियोज़ दिखाता रहता हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई कोशिश करो यार कि सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो भी कर लो ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा बना रहा होता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ये आप मुझे फॉलो करो। और देखो